नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म डिटेक्टिव कार्थिक, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजत राघव, गोल्डी निसी, अभिलाष बंदारी, श्रुति मोल, अनुषा नुथुला और हासिनी राय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो हाई स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा रिशिता की गुमनाम तरीके से हत्या कर दी जाती है। निजी जासूस संध्या और उसकी सहायक पल्लवी जांच का नेतृत्व करती है। इस बीच कार्तिक, जिसे संध्या पर क्रश है, हर दिन उसका पीछा करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि संध्या 3 दिनों से गायब है। कार्तिक हत्या का मामला अपने हाथ में लेता है, यह मानते हुए कि यह संध्या के लापता होने से जुड़ा है। उतार चढ़ाव के बाद वह हत्या के मामले को बंद कर देता है, लेकिन संध्या का पता लगाने में असमर्थ होता है। वह एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। क्या कार्तिक संध्या को ढूंढ पाएगा और असली अपराधी का पता लगा पाएगा, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 73% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म सोलो, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान, धनसिका, नेहा शर्मा, दीप्ति सती, श्रुति हरिहरन और मनोज के जयन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो प्रकृति के पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 लोगों के कालक्रम का संकलन, जो अपने जीवन में प्यार, दिल टूटने और असफलता का अनुभव करते हैं, और कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.1 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 72% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म इरेवन, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जयम रवि, नयनतारा और राहुल बोस के साथ कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो चेन्नई शहर एक साइको किलर के खौफ में जी रहा है। अर्जुन और एंड्रू के शामिल होने तक पुलिस पर भरोसा कम हो जाता है। अर्जुन एक अंधेरे अतीत के साथ हत्यारे के बारे में सच्चाई का खुलासा करता है, वे उसे गिरफ्तार करते हैं लेकिन वह भाग जाता है और अराजकता फैल जाती है। जब अर्जुन एंड्रू और उसकी प्रेमिका दोनों को खो देता है तो वह अंधकार में चला जाता है, फिर हथियारों को हराने के लिए निकल पड़ता है, और कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 51% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म D3, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में प्रजीन, विद्या, VTM चाले और राहुल माधव के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक अच्छे दिन में एक हत्या, एक गुमशुदगी का मामला और एक दुर्घटना का मामला होता है, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम शामिल होता है, जो तीनों की जांच शुरू करता है और कोई सबूत नहीं छोड़ता है। आगे क्या होता है, क्या वह रहस्य सुलझा लेता है और अपने मिशन में सफल हो जाता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 88% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म गैंग्स ऑफ मद्रास, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में साई प्रियंका रूथ और अशोक कुमार के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो रायसा ने एक पुलिस मुठभेड़ में अपने पति और अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया,
प्रतिशोध से अभिभूत होकर वह उन गैंगस्टरों को सबक सिखाने का फैसला करती है जो उसके प्रियजनों की मौत के लिए जिम्मेदार है। क्या रायजा अपने पति और बच्चे का बदला ले पाएगी, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 40% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म ब्रंधालियम, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में ज्योति राणा, विनु मद्दीपति, स्मृति रानी और कसी विश्वनाथ के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पुस्तकालय में एक किताब के इर्द गिर्द घूमती है जो गांव में मौत का कारण बन रही है। जब राजा के सबसे अच्छे दोस्त शिव की मृत्यु हो जाती है तो राजा किताब के पीछे के रहस्य को सुझाने का फैसला करता है। वह किताब कहां से आई, वह किताब वहां कौन लाया, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 86% लाइक्स मिला है। दोस्तों, ये थी वे साउथ की 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।